माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 28 मई को एक नई संसद भवन की सौगात देश को सौंपी। नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के सभी विवादों को एक तरफ रखकर नए संसद भवन का उद्घाटन किया। नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए तमिलनाडु से साधु संतों को पहले ही बुलवा लिया गया था। तमाम इंतजाम 27 मई को ही कर लिए गए थे। सुबह करीब 7:15 बजे मुख्य द्वार से माननीय पीएम नरेंद्र मोदी प्रवेश करने वाले थे, लेकिन एक वीडियो जो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, जब सुबह सुबह नरेंद्र मोदी जी का काफिला संसद भवन पहुंचा तो पूरा देश एक बार के लिए दंग रह गया। पीएम नरेंद्र मोदी का काफिला नए संसद भवन से थोड़ी दूर रुका, जो अनुमान कभी होता नहीं है। नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले की गाड़ियों को थोड़ा पीछे रुकने को बोला। नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले को संसद भवन से पीछे रोककर खुद संसद भवन की ओर पैदल ही चल दिए। नरेंद्र मोदी का स्वागत वहां पर उपस्थित लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। नरेंद्र मोदी ने संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर ऐसे परिधान को चुना जिसे देखकर भारत गौरवान्वित हो उठा। भारतीय संस्कृति के अनुसार भारत के तमाम राज्यों में हिंदू परंपरा में धोती कुर्ते को पवित्र माना जाता है और पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद भवन के उद्घाटन के लिए पोशाक के रूप में धोती कुर्ते को ही चुना। पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद भवन पहुंचकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और उसके बाद पुजारियों की उपस्थिति में पीएम मोदी ने विधि विधान से पूर्वक संगोल को स्थापित किया और इसके बाद नरेंद्र मोदी ने दीप प्रज्वलित करके शिलाओं पर लगाए गए पर्दों को हटाकर औपचारिक रूप से नए संसद का उद्घाटन किया। मातृभूमि को नवीन पान चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। ये हमारा सौभाग्य है, इस पवित्र सेंगोल को हम उसकी गरिमा लौटा सकें।